तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्पीकर का रिव्यू लेके आया हूँ। तो ये स्पीकर का नाम है SRS D9। तो ये स्पीकर मैंने तकरीबन 4 साल पहले खरीदा था, अभी भी मस्त चल रहा है। तो मैंने ये रिव्यू करने के लिए सोचा क्योंकि मुझे ये स्पीकर बहुत ही पसंद आया। और इसमें ये सब ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सैटेलाइट स्पीकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरा स्पीकर का पूरा वॉट्स है 60 वॉट्स। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये सैटेलाइट स्पीकर में 15 वॉट्स है, ये सैटेलाइट स्पीकर में 15 वॉट्स है, इसमें 30 वॉट्स है, सब ऊपर का वॉट्स है 30 वॉट्स। तो यहाँ पर कुल मिला के 60 वॉट्स है पूरा पावर आउटपुट इसका। तो ये बहुत ही, अगर आप टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, ये कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, फोन में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें और एक ऑप्शन भी है, यहाँ पर मैं साइड में दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पर आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पेन ड्राइव कनेक्ट करके पेन ड्राइव के गाना भी आप सुन सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑल इन वन एक म्यूजिक सिस्टम है, मतलब कि जबरदस्त बास क्वालिटी आता है, जबरदस्त साउंड क्लैरिटी है, सबसे अच्छा। जब तक आज तक मैंने बहुत सारे स्पीकर्स यूज किए हैं, लेकिन ये स्पीकर्स मुझे अभी तक पसंद है। 4 साल पहला खरीदा था, कितना सा, एक 5,000 रुपया में कुछ खरीदा था मैंने। तो अभी मिल रहा है कि मुझे पता नहीं, फिर भी मैं अगर मिलता है तो मैं नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप खरीदना चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सैटेलाइट स्पीकर, मतलब कि सब वूफर है, इसमें देख सकते हैं सब वूफर में काफी अच्छा बड़ा सब वूफर है, 5 किलो है ये सब वूफर का वेट, थोड़ा भारी है फिर भी चलेगा। और ये सब यहाँ पर है पूरे कंट्रोल्स इसके, तो यहाँ पर पूरे कंट्रोल्स, मतलब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पता नहीं, मैं लाइट थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बास है, बास मैक्सिमम मिनिमम डाल सकते हैं। ये वाला 3 जो बटन है, ये अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रिवाइंड, ये प्ले पॉज, ये फास्ट फॉरवर्ड, इसका बटन है ये, अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं तो। यहाँ पर टेरेबल कंट्रोल करने का भी ऑप्शन है, अगर आप USB पेन ड्राइव कुछ कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट चलेगा। अगर यहाँ पर पावर ऑन बटन है, देख सकते हैं पावर ऑन बटन है यहाँ पर, तो ये मैं ऑन करके रख देता हूँ। और इसे आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या DVD या आपके सेटअप बॉक्स उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ये वायर्स भी आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ये कनेक्ट करने टीवी में या आपके सेटअप बॉक्स में या आपके DVD प्लेयर में कुछ में भी आप ये कनेक्ट करके आराम से फिल्म देख सकते हैं, या गेम खेलने के लिए भी मस्त स्पीकर है ये। तो यहाँ पर मैं ये स्पीकर का कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए पीछे चलते हैं, पीछे जाने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो 2 दिख रहा है, ये आपको टीवी में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि वो वायर जो मैंने दिखाया था, ये पावर आउटपुट, ये पावर जाता है, इससे कब पावर जाता है, ये है 3.5 mm जैक का, और ये है सबवूफर का, ये है दूसरा सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्शन। तो कुछ था इसके कनेक्शंस, अभी मैं आपको गाना सुना के दिखाने वाला हूँ, लेकिन कोई हिंदी गाना सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज बहुत आता है YouTube में। तो मैंने कुछ गाने मेरे फोन में डाउनलोड करके रखे हैं, तो ये फोन में मैंने कुछ नॉन कॉपीराइट YouTube के ही गाने थोड़े डाउनलोड करके रखे हैं, तो उसमें आपको मैं थोड़ा साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं प्ले करने वाला हूँ आपको, सही में इसका साउंड क्वालिटी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको इसका ठीक से साउंड क्वालिटी पता नहीं चलेगा, फिर भी आपको मैं गाना सुना के दिखाता हूँ। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, सबसे बेस्ट स्पीकर जो मैंने खरीदा है आज तक, पूरा रिग्रेट नहीं किया हुआ, पूरा 5,000 का माल है, अभी तक चल रहा है, वो भी सोनी का, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ गाने शुरू करने वाला हूँ, साउंड थोड़ा बढ़ा देता हूं,
तो कुछ इस तरह है इसका साउंड क्वालिटी। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे देख पाता हूँ मैं फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में या अभी भी सेल्स हो रहा है कि नहीं। अगर सेल्स हो रहा है तो आप जरूर खरीद के देखिए, ट्रस्ट कीजिए। सबसे अच्छा स्पीकर है ये सोनी का। तो मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।